हाय एवरीवन, मैं चंद्र ज्योति, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल हरियाणा से। आज मैं आपसे मंत्रों के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि क्या मंत्रों में कोई शक्ति होती है। देखिए, मैं ना ही तो अंधविश्वासी हूँ और ना ही मैं अंधविश्वास फैलाना चाहती हूँ, ना ही मैं इन चीज़ों को मानती हूँ। लेकिन जो मंत्र हैं, उनकी अपनी एक पावर होती है, उनकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, जो कि क्वांटम साइंस में भी माना गया है, उनकी जांच की गई है, एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, और हर एक मंत्र की एक अलग फ्रीक्वेंसी पाई गई है। आप चाहें तो इस चीज़ के लिए रिसर्च कर सकते हैं। जो हमारे मंत्र हैं, वो ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए हैं। उन्होंने इन्हें ऐसे ही नहीं बनाया है, वो भी उस वक्त के वैज्ञानिक थे। उन्होंने हर एक साउंड को जांचा, परखा। उस साउंड का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है, जीव जंतुओं पे क्या असर होता है, हमारे ऊपर क्या असर होता है, उस चीज़ को देखने के बाद उन्होंने ध्वनियों को प्रमाणित किया कि इस ध्वनि से ये फायदा होता है, तब इन मंत्रों को बनाया गया है। आप सबको पता है कि हम भी एनर्जी हैं, और ये जितनी भी जो यूनिवर्स बना है, वो सारा एनर्जी से ही बना हुआ है। तो मंत्र बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम अपने खुद को उठाने के लिए अलार्म का यूज़ करते हैं। वो एक तरह से अलार्म का ही काम करते हैं, उस पावर से जुड़ने के लिए जिसका कि वो मंत्र है। और ये सच में काम करते हैं, ये सच में बहुत पावरफुल होते हैं। मैंने खुद इनको आजमाया है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे मंत्र लिए हैं, और उनको बहुत सारा बेनिफिट भी हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मंत्रों को ऐसे ही सुन के बोलना शुरू कर दें। आपको ज़रूर किसी से पूछ लेना चाहिए कि कोई भी मंत्र है, उसको कैसे बोला जाना चाहिए, उसका सही समय क्या है, उसको किस माला से उसका जाप किया जाता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका साउंड, कि आप उनको कैसे बोलना है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी उनसे पैदा होती है, वही हमें उस पावर के साथ जोड़ती है। लोग बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए मंत्रों का यूज़ करते हैं, मनी के लिए, वेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए, खुद को फेमस करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए मंत्रों का यूज़ किया जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, उनका उच्चारण, उनका वाइब्रेशन, कि वो फ्रिक्वेंसी उस फ्रिक्वेंसी के साथ में मैच होनी चाहिए, वो पावर उस पावर के साथ में मैच होनी चाहिए। इसलिए आप जो भी मंत्र करें, सभी मंत्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी से ज़रूर, किसी भी जानकार से ज़रूर पूछ लें कि उनको कैसे किया जाना चाहिए, उनका करने का सही तरीका क्या है, उनको प्रनंस करने का सही तरीका क्या है। उसके बाद वो बहुत जल्दी आपको बेनिफिट देंगे। मंत्रों के बारे में एक और बात, अगर आप उन्हें सिर्फ जांचने के लिए करते हैं तो वो फ़ायदा नहीं देते, उनके ऊपर आपको विश्वास रखना होता है। और जितना आपका विश्वास होगा, उतने ज़्यादा वो चीज़ें आपके साथ घटित होने लगेंगी, वो आपको फ़ायदा मिलने लगेगा जिसके लिए कि आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। मैं और चीज़ों में, अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन ये एक साइंटिफिक चीज़ है। बहुत सारे मंत्रों पे, जैसे ओम है या हमारा गायत्री मंत्र है, उनके ऊपर बाकायदा रिसर्च की गई है, और रिसर्च में ये पाया गया है कि उनके जो बेनिफिट है हमारे शरीर पे, हमारे आसपास के वातावरण पे, बहुत ज़्यादा होता है। खासकर हमारी सेहत पे तो मंत्रों का बिल्कुल मतलब चमत्कारिक प्रभाव होता है। तो आप भी मंत्रों की शक्ति को आजमा के देखिए, लेकिन किसी ऐसे इंसान से मंत्र को लीजिए जिसे उसकी सही जानकारी हो और आपको सही तरीका बता सके उसको करने का। तो मुझे लगता है मेरी इन्फॉर्मेशन आपके ज़रूर कुछ काम आएगी, और मेरे वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू, टेक केयर।